नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज पीआर। मैं हूं आदेश पुरी। आज सिपाही भर्ती का परीक्षा था और दो पालियों में परीक्षा हुआ और इसका बचा हुआ जो परीक्षा है वो 21 मार्च को लिया जाएगा दो पालियों में। आपको बता दें कि हमने ही सुबह वीडियो चलाया कि ग्रुप में क्वेश्चन वायरल हो रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और फिर 12 बजे जाकर जब इस एग्जाम खत्म हुआ तो छात्रों से बात किया और हमने वो क्वेश्चन दिखाया कि क्या यही क्वेश्चन के आंसर जो हैं वो थे वहाँ पे। छात्रों ने इनकार किया कि ऐसी कोई बात नहीं, जो आप क्वेश्चन दिखा रहे हैं, जो आप आंसर दिखा रहे हैं वैसे नहीं थे। हमने उसका भी वीडियो चलाया और बताया आपको कि जो हमें मिला था, जो वायरल हो रहा था क्वेश्चन पेपर, वो नहीं आया था एग्जाम में, और जो एक तरह से दावा किया जा रहा था क्वेश्चन वायरल हो गया, वो बात गलत निकली। लेकिन छात्र नेता दिलीप, उनका कहना कुछ अलग है। उन्होंने बताया है कि 9:35 पर उनके पास जो प्रश्न पत्र के आंसर हैं वो आए, और बाद में कंफर्म भी हुआ कि वो प्रश्न पत्र ही पूछे गए थे जो परीक्षा हुई प्रथम पाली की उसमें, और वो आंसर उसके ही थे। तो अब ये जो दिलीप का बयान है, पहले आप सुनिए क्या कहना है दिलीप का। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आज फिर से एक बार बिहार की धरती, जिसे कभी ज्ञान की धरती कहा जाता था, उसे शर्मसार होना पड़ा है, क्योंकि आज फिर से बिहार के एक प्रतियोगी परीक्षा का पेपर लीक हो गया। जी हाँ, आज बिहार पुलिस की परीक्षा थी, जो परीक्षा प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से शुरू होनी थी, लेकिन 9 बजे से ही आंसर उसका वायरल था। और जिन लोगों ने पैसा दिया होगा उनको तो रात में ही, एक दिन पहले ही आंसर क्वेश्चन मिल गया होगा। हमारे पास 9:35 पर आया था, जिसे हमने CM नीतीश कुमार को ईमेल भी कर दिया, और वही आंसर हूबहू परीक्षा में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से भी मिल रहे थे, जिसकी पुष्टि परीक्षा देने के बाद परीक्षार्थियों ने किया है। और सुबह में ऐसा हुआ कि शिक्षा माफियाओं के द्वारा एक साजिश के तहत फर्जी आंसर को जानबूझ के वायरल कराया गया, ताकि मीडिया में आ जाए, सोशल साइट पे आ जाए, यूट्यूब पे चल जाए, और बाद में ये कहा जाए कि ये फर्जी आंसर था। और हुआ भी कुछ ऐसा ही, कुछ यूट्यूब चैनल ने चला भी दिया था, बाद में उन्होंने खंडन किया कि ये फर्जी आंसर था। लेकिन हमने जो CM साहब को भेजा है, ईमेल किया है, वो हूबहू वही आंसर था। और हम अब चाहते हैं कि चूँकि इसका पुख्ता प्रूफ हमारे पास है, तो नीतीश सरकार इसकी CBI जाँच कराए और इस एग्ज़ाम को रद्द करे। और नीतीश जी से हम विशेष आग्रह कर रहे हैं कि बिहार के लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल है, गरीब मेधावी छात्रों के भविष्य का सवाल है, तो प्लीज़ आप इसको एक बार CBI जांच इसकी करवाइए, और जो भी इसमें संलिप्त है शिक्षा माफिया, उसको आप जेल भेजिए, उस पर कानूनी कार्रवाई कीजिए, ताकि आगे भी जो परीक्षा होगी उसमें ऐसी शर्मिंदगी बिहार को न झेलना पड़े। हम पहले भी आंदोलन करते रहे पेपर लीक के खिलाफ, अगर उस समय नीतीश सरकार ने हमारी बात मानकर CBI जांच करवा दिया होता तो आज ये नौबत नहीं आती कि बिहार को फिर से शर्मसार होना पड़ता, फिर से पेपर लीक होता। लेकिन नीतीश सरकार ने उल्टे हमें भी 15 दिन के लिए जेल में भेज दिया। लेकिन कम से कम अब तो नीतीश जी आँख खोलिए, अब तो धृत राष्ट्र बन के मत रहिए। हम पूरा प्रूफ दे रहे हैं, जिसको भी चाहे, चाहे आयोग को चाहिए, सरकार को चाहिए, हम प्रूफ देने के लिए तैयार है। प्लीज़ इसकी CBI जाँच करवाइए, इस परीक्षा को रद्द कीजिए। और इसके साथ साथ जो बिहार दरोगा बहाली में धांधली हुई, और पिछले सिपाही भर्ती में भी जो धांधली हुई, उसकी भी आप CBI जाँच करवाइए। और बिहार के तमाम पक्ष विपक्ष के सभी नेताओं से भी हम आग्रह कर रहे हैं कि प्लीज़ इसके लिए डिमांड कीजिए सरकार से कि इसकी CBI जांच हो और ये परीक्षा रद्द हो, और शिक्षा माफियाओं पर कानूनी कार्रवाई की जाए। और बिहार के तमाम छात्रों से भी हम अपील करते हैं कि प्लीज़ इसमें हमारा सहयोग कीजिए, और सोशल साइट पर ज़्यादा से ज़्यादा लिखिए, विरोध कीजिए, और सरकार से डिमांड कीजिए कि परीक्षा रद्द हो और इसकी CBI जाँच हो। और सेकेंड सीटिंग का भी आंसर वायरल था, लेकिन उसकी अभी हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे, क्योंकि सेकेंड सीटिंग का जो आंसर वायरल था तो जो परीक्षार्थी थे उनसे हमारी कोई बातचीत अभी नहीं हुई है, इसलिए हम इस बारे में अभी सेकंड सीटिंग के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन फर्स्ट सीटिंग का जो आंसर था वो हूबहू मिला, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। जय हिंद। तो जैसे आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है कि केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के लिए जो परीक्षा हुई है उसका भी आंसर शीट वायरल हुआ है, यानी कि बिहार पुलिस का प्रथम पाली का क्वेश्चन पेपर वायरल हुआ है। अब आयोग की ये जिम्मेवारी बनती है कि इसको संज्ञान में ले, इसकी जांच करे, और जो भी दोषी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि बिहार में कोई ये क्वेश्चन लीक होना एक बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। और जो सेटर का ग्रुप है वो, उनकी पहुंच इतनी हो गई है कि लाख कोशिश के बावजूद भी वो प्रश्न पत्र, उसके आंसर वायरल निकाल लेते हैं और सोशल मीडिया में वायरल कर देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, हमारे चैनल न्यूज़ PR को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।